जनपद बलिया को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है कि मुस्लिम एवं हिंदू समुदाय के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। छोटी से छोटी घटनाओं को ऐसी हवा दी जा रही है कि दोनों समुदाय के लोग आपसी प्रेम को बुलाकर एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। 10 दिनों के अंदर उपद्रवियों ने बलिया जनपद के अलग कस्बों में उपद्रव फैलाने की कोशिश की है। सबसे पहले गुलाब की नगरी सिकंदरपुर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाकर गुलाब की खुशबू को बिखेरने का प्रयास किया। कुछ दिनों पश्चात बुधवार को दिन में जनपद बलिया के रस्तर कस्बा को अपना निशाना बनाया। हालांकि दो लड़कों के मारपीट के मामले को उपद्रवियों ने दो समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया। कई दुकानें आग के भेंट चढ़ गई। अभी तक रस्तर कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां आवाजाही व हूटर की आवाज गूंज रही है। घरों में लोग सहमे हुए हैं। बुधवार की दोपहर बाद समाज में आग भड़काने वाले कुछ उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि रस्ता बाजार की रौनक बिगड़ गई और अब बाजार की गलियों में पुलिस की बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोग सहमे एवं डरे हुए दिखाई दे रहे थे। चंद उपद्रवियों के चलते आज दोनों समाज के लोगों को बांटने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उपद्रवियों को यह मालूम नहीं है कि बाकी बलिया के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के जो मिसाल है वह उसे टूटने नहीं देंगे। घटना स्थल पर पहुंचकर जिला अधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह ने तुरंत शांति बैठक बुलाई, लोगों से अपील की कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग प्रशासन को सहयोग करें और अपनी अपनी दुकानें खोलें। जिला अधिकारी ने यह भी कहा कि जिसने भी उपद्रव मचाया है उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जनपद के नागरिक है, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, और ये जो रूप प्रसंग रूप इसमें दिया गया है ये किसी भी हद से सांप्रदायिक नहीं है, एक जाति वर्ग विशेष के बीच में झगड़ा हुआ है। दो परिवारों का झगड़ा था उसको आगे तूल दिया गया, एक अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह फैला कर फिर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया। हम लोग करते उसको खत्म नहीं रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप इतने सहयोग करें, अपनी अपनी दुकानों को खोलें। इसी क्रम में बैठक बुलाई गई थी। अब मैं विशेष रूप से एक बार परिचय दे करके बैठक को समाप्त करूँगा और जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ हो उनकी तारीख रखो दे दी। और आस पास सुन लीजिए, बाहर की फोर्स है, यहाँ पे गैर जनपद की फोर्स है, बाहर की पी एस सी है। टीवी 100 न्यूज़ के लिए बलिया से मुमताज अहमद की रिपोर्ट।